अब आव्यूह का गुणन गुणधर्म, अगर दो आव्यूहों के बीच गुणन का चिन्ह हो तो उस के द्वारा कौन कौन से गुणधर्मों का पालन होता है इसके बारे में हमें समझना। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है क्रम विनिमेय गुणधर्म की। सबसे पहली बात बता दें कि दो आव्यूहों के बीच गुणन संक्रिया जो है क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। अगर हमने मान लिया कि दो आव्यूह ले लिया ए और बी, दो आव्यूह हमने ले लिया और अब हमें मालूम है कि क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन करने के लिए क्या होना चाहिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये चीज़ होता है, चलो चेक करके देख लेते हैं। हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं एक एग्जांपल और इस एग्जांपल के थ्रू ही आप समझ सकते हैं क्या होता है। हम ले लिया 1 -1 2 3 मान लो ले लिया और दूसरा आ ले लिया हमने 1 0 और यहाँ पर ले लिया हमने 2 और 3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना हमने बताया है आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 a 3 हो गया और यहाँ पर हो गया आपके सामने 1 0 2 3, ये आपके सामने रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है इनके बारे में तो मैंने आपको बताया कि रो बाई कॉलम करते हैं। ए रो है और इसको कॉलम वाई ऐसे आप करते जाओ, तो 1 into 1 हो गया, -1 into 2 हो गया, +-1 into 2 हो गया। अब फिर इसी को इसमें करेंगे फिर से 1 into 0 हो गया, -1 into 3 हो गया, -1 into 3 हो गया। फिर अब इसको 2 को 1 से 2 into 1 हो गया, 3 को 2 से +3 into 2 हो गया। फिर इसी को इसमें 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, +3 को 3 से 3 into 3 से मल्टीप्लाई। आपके पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया 1 -2 0 -3 2 + 6 यहाँ 0 + 0 + 9 ये आ गया आपके सामने, मतलब कुल मिला के आ गया -1 8 -3 9 ये आ गया आपके पास में कम्प्लीटली। अब अगर हम b इंटू ए करें उसी प्रकार b इंटू ये अगर हम करेंगे तो अपने पास में देखो क्या आएगा, b को पहले ले लो 1 0 2 3 और इसी प्रकार से a को मल्टीप्लाई करो 1 -1 2 3 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा क्या, अपने पास डायरेक्टली रिजल्ट आएगा 1 -1 8 7 मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a इंटू b में तो a आ रहा है, b इंटू a में a आ रहा है, इसका मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, अतः जो हमारा गुणन संक्रिया है तो आव्यूहों के बीच जो गुणन संक्रिया है वो क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता, क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो आप। तुम्हें मालूम है कि कोई भी गुणधर्म तभी एप्लीकेबल होता है जब वो हर दशाओं में लागू होता है। अभी एक दशा हमने फेल कर दी, इसका मतलब और चाहे अन्य दशाओं में लागू ही हो इसका मतलब ये नहीं होता कि क्रम विनिमेय गुणधर्म लागू होगा। हालांकि एक कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनमें ए बी इज इक्वल टू बी ए भी होता है, इसको हम लिख देते हैं नोट्स में। नोट्स में कुछ ऐसे दशाएँ होती हैं जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है, परंतु प्रत्येक दशा में ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आव्यूह होता है वो क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। दूसरी जो दशा है हम लोग पढ़ेंगे, दूसरी कंडीशन है वो है अपना साहचर्य गुणधर्म की। क्या है, साहचर्य गुणधर्म की, साहचर्य गुणधर्म की। साहचर्य क्या होता है, अगर मान लो हमने 3 आव्यूह ले लिया ए बी सी और इसको हमने इस तरीके से लिया कि इसका जो है ए इंटू बी निकालना संभव है और इसका जो है b इंटू सी निकालना संभव है, मतलब b को c से मल्टीप्लाई करना संभव है, a और b को मल्टीप्लाई करना संभव है। तो a और b और c अगर इस तरीके से आगे लिए जाएं तो ये साहचर्य गुणधर्म का हमेशा पालन करते हैं, अर्थात ए बी सी इज इक्वल टू होता है ए
बी सी, ये सहचर्य गुणधर्म का पालन हमेशा करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दो, सहचर्य गुणधर्म का पालन हमेशा करते हैं, मतलब तीन आवयव हम इस तरीके से लेते हैं जिसके लिए ए इंटू बी और बी इंटू सी निकालना संभव है, तो गुणन संक्रिया जो होती है हमेशा सहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। फिर इसके बाद में जब हम अगला चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी होती है इसी में ही, जिसको हम बोलते हैं अगला प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है अपने पास में तत्समक गुणधर्म, तत्समक गुणधर्म गुणन संक्रिया के अंतर्गत तत्समक गुणधर्म आइडेंटिटी। अब तत्समक गुणधर्म कैसे हम लोग समझेंगे, जैसे हमने मान लिया कोई आव्यूह कैपिटल ए है, कोई आव्यूह कैपिटल ए है और इस आव्यूह का जो क्रम है m क्रॉस n का एक आव्यूह है, आव्यूह है ना, मैं तत्समक गुणधर्म, तत्समक गुणधर्म गुणधर्म लागू होगा होगा यदि कंडीशन क्या हो जाए, कंडीशन हो जाए कि तत्समक, जैसे मान लो हमने कोई ले लिया एक आव्यूह आई एम जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ में, तो इसका जो परिणाम आना चाहिए हमेशा वही आव्यूह आना चाहिए, या आप इसको ए इंटू आई एन करो, है ना, आई एम और डॉट ए इक्वल टू ए डॉट आई एन आई, जहाँ पर आई एम को मालूम है कि एम क्रम का एक तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह तो मतलब एम क्रम का, ये आपके सामने आई दिया गया, आई क्या है एक इकाई आव्यूह को व्यक्त करता है, यहाँ आई एम क्रम का इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह तो हम जानते हैं क्या होता है, हमेशा वर्ग आव्यूह होता है ना, और आई एन क्या है एन क्रम का एक इकाई आव्यूह, तो किसी भी आव्यूह जो कि एम क्रॉस एन का है उसमें जो है तत्समक गुणधर्म तभी लागू होता है यदि आई एम डॉट ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए डॉट आई। अगर मान लो कि सपोज करो कि अपना जो ए, सपोज कर लेते हैं नोट्स में ए मान लेते हैं कि सपोज करो कि ए क्या है कोई वर्गाव्यूह है, वर्गाव्यूह में जानते हो कि एम और एन की वैल्यू समान होती है, तो अगर मान लो ए क्या है कोई वर्गाव्यूह है, ए कोई वर्गाव्यूह है, तो हम लिखते क्या है ए डॉट आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई डॉट ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि तत्समक गुणधर्म जो होता है गुणन संक्रिया के अंतर्गत तभी लागू होता है जब एक प्रॉपर्टी यहाँ पर काम करती है, ठीक है, जहाँ पर आई जो है इसी क्रम का, जिस क्रम का हमारा कैपिटल है उसी क्रम का क्या है तत्समक, उसी क्रम का तत्समक आव्यूह। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी बंटनता, बंटनता बंटनता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है कि हम लोग तीन आव्यूह लेते हैं ए बी व सी, जिनमें योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय दशाएं होती हैं, योग व गुणन मतलब इनका करना जो है संभव है, ठीक है, तब इनकी जो बंटनता नियम होता है वो इस तरीके से होता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और एक कंडीशन ऐसे भी होती है कि ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब बाया बंटनता नियम, इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब दाया बंटनता नियम। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग तीन आव्यूह लें जिनमें योग व गुणन की अनुकूलनीय दशाएं होती हैं, तब दोनों आव्यूह इनका कोई जोड़ना संभव है, तो इसमें हम तीसरे आव्यूह को जोड़ करके, जब इसमें हम तीसरे आव्यूह को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो इस रूप में आता है, और पहले दो आव्यूहों को अगर जोड़कर तीसरे आव्यूह मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो अपना जो गुणधर्म है यहीं तक समाप्त होता है। फिर इसके बाद में जो अपना अगला पॉइंट आता है जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं शून्य के भाजक, जीरो डिवाइज़र, शून्य के
भाजक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर क्या होता है कि दो अशून्य आव्यूह ले लो, दो अशून्य आव्यूह, दो अशून्य आव्यूह ले लो, दोनों अशून्य आव्यूहों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो और उनका मल्टीप्लाई करने पे कैसा रिजल्ट आए, शून्य आव्यूह है। कैसा रिजल्ट आए, शून्य आव्यूह है। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जिससे मान लो हमने दो आव्यूह ले लिया ए और बी, दोनों क्या हैं अशून्य, मतलब इनका ए आव्यूह शून्य आव्यूह नहीं है, लेकिन गुणा करने पर हमेशा शून्य आव्यूह दे दें तो हम कहेंगे कि ए बी का शून्य भाजक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं। ए इज इक्वल टू हमने मान लो ले लिया 1 0 0 0, अब ये देखो शून्य आव्यूह नहीं है, ये शून्य आव्यूह नहीं है। उसी प्रकार बी भी हमने ले लिया भाई 0 0 0 1, शून्य आव्यूह नहीं। शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगा 1 0 0 0,